काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला इमारत गहे के कारण सीधी जिला के 5 लोगों की मौत हो गई रही। मृतक के शव परिजन सोमवार का गृहग्राम लेके पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते है पूरे गांव में मातम पसरी गया। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सभाजन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि गुजरात के सूरत में इमारत ढहे के कारण सीधी जिला के 5 मजदूरों की मौत हो गई रही, जिनका शव सोमवार का गृहग्राम ले आएगी। घटना की जानकारी मिलते है पूरे गांव में मातम पसरेगा। मृतक जिला के मझौली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। मृतक के शव का लियावे खातिर सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा सूरत के सांसद से बात कही के शव वाहन उपलब्ध करवावे में मदद की गई। दूसरे कई 3 गाँव में मातम पसरा है, परिजन के रोए रोए के बुरा हाल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दियाडोल निवासी सौखीलाल केवट के 2 पुत्र शिवपूजन केवट और प्रवेश केवट एक साथ काम करत रहे। यह हादसा में मलबा में दब के उनका मौत हो गई, जबकि कोटमा गांव के अभिलाष केवट पिता छोटेलाल केवट की मौत उन्हीं के साथ भाई। यही मेर से हीरामणि केवट पिता बम्बोली केवट निवासी परासी लालजी केवट पिता बम्बोली केवट परासी दोनों सगे भाई बताया जा था। बम्बोली केवट के द्वारा जानकारी दे के बताया गया कि मृतक हीरामणि केवट लालजी केवट दोनों डियाडोल निवासी मृतक से पूजन केवट प्रवेश केवट के बुआ के बेटे हैं। सीधी जिला से 8 श्रमिक सूरत सचिन GIDC सिद्धि गणेश पाली गांव जिला सूरत गुजरात में मजदूरी करत रहे और 6 मंजिला इमारत में रहत रहे। घटना के दौरान 5 श्रमिक घर में रहे, जबकि 3 श्रमिक राम सिंह रवि केवट हेमंत केवट काम पर गिरे। यह हादसा में 3 घर के चिराग बुझ गई। मरे वाले श्रमिकन के घर में अब कमाए वाला के व्यक्ति नहीं बचा। सजग रही, सतर्क रही, रखी आप और अपने परिवार की भूत क्या दे इजाजत करें।